यानी कि बात है खजाने की, खजाने की। खजाना ढूंढने कुछ लोग आए थे। हाँ, हाँ, और उस अच्छा ये कहानी यहाँ पर भी है कि मतलब खजाना है राजा का ऐसा। हाँ, अच्छा दोस्तों, ये जो आप सामने झील देख रहे हैं, ये झील इसी अलियाबाद कस्बे की है, और जहाँ पिछली बार मैं आया था उस जगह से थोड़ी दूरी पर, 1 किलोमीटर थोड़ी दूरी पे, जहाँ राजा जयपाल की समाधि है, जहाँ राजा जयपाल की जहाँ राजा जयपाल की समाधि है, और जहाँ राजा जयपाल के बारे में कहा जाता है, मैं उस जगह पे आया हूँ। पिछली बार मैं उस जगह पे नहीं आया था, लेकिन इस बार मैं उस जगह पे आया हूँ। और ये आपको बता दूँ, ये पीछे आप सामने देख रहे हैं, ये ऊपर, इसके ऊपरी भाग में राजा जयपाल की यहाँ पे समाधि मिलेगी। और अभी चूंकि आज नवरात्रि है, क्या है, नवरात्रि नवरात्रि चल रही है, विसर्जन। विसर्जन, हमारे साथ में एक भाई मिले हैं यहीं पे। भाई नाम क्या आपका? देवेंद्र कुमार नाम है। देवेंद्र कुमार नाम है, और इन्हीं को मैंने उठा लिया। हमने कहा चलो अभी इनसे जानकारी निकालेंगे। अभी ऊपर कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं दोस्तों, और मैं उन लोग से भी बातचीत करूंगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ी झील है, और ये झील आज से नहीं, बहुत पुरानी झील मानी गई है। और ये जो ऊंचा भाग आप देख रहे हैं, आगे आगे चलते हैं धीरे धीरे, तो ये पूरा महल का हिस्सा था ऐसा कहा जाता है। तो हमें देवेंद्र भाई मिले हैं, और देवेंद्र भाई हमको दिखाएंगे यहाँ के बारे में। तो ये जो जगह है, राजा जयपाल, महाराजा जयपाल पासी का शासनकाल यहीं पर था। हम आगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पुराने जमाने की ईंटें ये दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी ईंटें आपको दिख रहे हैं सब, ये महल के ऊपरी भाग हैं। यहाँ बड़े बड़े ईंटें और लखौरी ईंटें भी दिखाई देती हैं। और चूंकि यहाँ पर आप जैसा भी पीछे देख पा रहे हैं, ये झील का चारों तरफ से गोलाकार में झील है, और झील तो जब बरसात आती है तब पानी भरता है, तब कुछ दिखाई देता है, बाकी तो सूख जाती है। तो हम लोग यहीं पर आए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप आज 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 आप सभी लोगों को राजा जयपाल की समाधि पर लेकर आया हूँ। आज राजा जयपाल पासी की समाधि पर आप सभी को दिखाऊंगा, और कुछ लोग मिले हैं वहाँ पे, तो यहाँ की जानकारी भी दिखाऊंगा। आप लोगों को देखते रहिएगा। अच्छा। अच्छा 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 राजागंज में आवा थे, राजागंज वहीं किराया सब। अच्छा तो अच्छा, ये जो मतलब झील का कहानी ये है, क्या है कहानी यहाँ की, कुछ जानकारी क्या मिलेगी यहाँ? आप शांत रहिए थोड़ा, उम्रदार हैं। जी 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 आप कुछ अच्छा अबू बाबा नहीं, मैं बैठे वही चलते हैं, परेशान क्या होंगे। क्योंकि ये पुरानी ईंटें सब दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब। आज आज कौन सा दिन था? छोड़ो, आज शनिवार था। आज यहाँ क्या था, मूर्ति विसर्जन। तो मूर्ति विसर्जन यहाँ पर था, और आज हम इसी जगह फिर से आए हैं, क्योंकि आज लोग भी काफी अच्छे मौके पे हम आ गए हैं, और इसीलिए इन लोगों से जानकारी अच्छी मिल जाएगी हमें। काफी काफी शानदार जगह है ये, और चूंकि आप देख रहेंगे पुराने बरगद के पेड़ हैं, और काफी शीतल सी हवा यहाँ पे चलती है। चूंकि आज हम यहाँ एक बार फिर से आए हैं, और काफी लोग हमें मिले हैं, क्योंकि आज यहाँ मूर्ति विसर्जन था, और जैसा कि आपने भी वीडियो में देखा था। तो आज इन्हीं लोगों से हम जानकारी लेंगे कि राजा जयपाल के बारे में क्या कहानी है, तो आज हम अच्छे से पता करेंगे। दादा आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? रतिपाल। रतिपाल क्या नाम है? रतिपाल। रतिपाल नाम है? अच्छा, रतिपाल नाम है, और राजा जयपाल की जगह आप भी बैठे हैं, मतलब पाल का सिस्टम चलता है। अच्छा तो दादा ये बताइए, राजा जयपाल के बारे में क्या कहानी है, कुछ जानकारी दीजिए। कहानी पुरखा लोग बताओ कर रहे हैं कि धोखे से मारे इनका। अच्छा। फगुई दिन रहे, लोहा छूना वर्जित रहे। अच्छा अच्छा। तेली जो फाटक पर नौकर रहे। अच्छा अच्छा। राजनीत बता दी कि फगुई दिन चले आओ, फाटक खोल दिया। अच्छा 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 अच्छा। सरवाल लोहा नहीं छोड़ रहे, शराब पिए पड़े रहे, वो घुस गए और गाजी मियाँ चले रहे, इनकी ससुराल आरू जबली। अच्छा। गाजी मियाँ लेकर रहे, गजनबी बचा तखत बैठा रहा दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा। वही लेकर आ रहा पूरी फौज। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी बाड़ी जी का वही पूजा करी, अच्छे बाड़ी के हैया खूब पड़ी है राजा जी। हम लोग इनका बराबर देखे। अच्छा। ओके जमाल लेके नहीं, इनके मारे इनकी गोंडा तक राज रहा है। ये राज नहीं, गोंडा तक। अच्छा अच्छा। गोंडा की गोंडा तक राज था, राज का राज रहा गोंडा तक। अच्छा। अच्छा ये दादा ये चीज और बताइए कि यहाँ जो मान लीजिए कि जो ये जो समाधि कही जाती है, राजा जयपाल की समाधि यही कही जाती है ना? ये इनका उधर है, इनके घर के बगल है। अच्छा क्या है? मकान इनका उधर है। अच्छा राजा जयपाल का मकान या महल जो कह लीजिए उधर। मकान है, तहखाना सब उधर है। हाँ ये पूरा ये पूरा जो है जो है उनका मकान था। अच्छा तो उनकी समाधि यही है जो मंदिर बनी है। अच्छा जी। अच्छा तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा महल था।
बहुत बड़ा, ये पूरा जो दोनों गांव हैं ये बहुत बड़ा महल था, महल था राजा बैठका था। अच्छा अच्छा, फैसला इसे कोर्ट कचहरी पर फैसला हो इनका यहाँ। अच्छा अच्छा, राज दरबार। अच्छा राज दरबार था। हाँ, मकान तो इनका उधर है। अच्छा, मकान उधर भी है। हाँ, कब्जा कर लिया। मतलब अब तो खेत पात हो गया होगा। इतने कब्रिस्तान हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कब्रिस्तान लगता है कि वो मारे ही गए हैं। लगा लाइन से कितने कब्रिस्तान बने हुए मुसलमानों के। अच्छा, ये बात है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही। बड़े बन पर ऐसा है कि मुस्लिम का वो वहाँ बहुत मजारे हैं। अच्छा, ये मतलब ये कहानी है, चूंकि राजा जयपाल तो जो पहले जंग हुई थी उस जंग की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। उसी कहानी से, वही कहानी है कि राजा जयपाल का युद्ध जो था ये उन्हीं से हुआ था जो गाजी कहते हैं। ये जानकारी आपको भी है? भैया कुछ और पहले, शायद 200 साल 2500 साल पहले इस जगह पर मालूम नहीं, यहाँ पर ये रास्ता था नहीं। अच्छा अच्छा, ये मुंजा सुंजा था, यहाँ पर बहुत मुंजा था, यहीं पर इतना कम से कम 10 फुट लंबा चौड़ा गड्ढा इतना बड़ा खोदा गया था, और लगभग कुछ नहीं तो एक बोरा अगर बत्ती की सपड़ी नहीं रेखा का इतर कूका, ये नहीं मालूम कि यहाँ थम गया क्या गया। अच्छा, ये क्या कहानी थोड़ा आगे आई, ये क्या कहानी बता रहे थे? माल क्या हम बता रहे थे? धन, धन। अच्छा, धन। नवरात्र का दिन था। अच्छा अच्छा अच्छा, नवरात्र का दिन था, ले जाने पाए नहीं। अच्छा, दूसरे तीसरे कोई आया, 3-9 बजे यहाँ पर गड्ढा खोदा था, कोई गिरमिट से गड्ढा खोदा गया था उसमें। अरे 10 फुट लंबा रहा। अच्छा, यानी कि नीचे बहुत गड्ढा रहा। अच्छा, यानी कि बात है खजाने की। खजाना ढूंढने कुछ लोग आए थे। और उस, अच्छा ये कहानी यहाँ पर भी है कि मतलब खजाना है राजा का ऐसा। अच्छा, इसलिए बोला। अरे भैया, अभी चंद दिन पहले, भाई एक साल पहले जी जी, यहाँ पर यहाँ जमा तक खुदाई हो रही थी, तो एक टाली के ऊपर मट्टी भरा जा रहा, तो मट्टी के ऊपर कुछ अच्छा कुछ निकली है, पुराने तत्व, यानी उसमें सोना हो चांदी हो कुछ हो। अच्छा अच्छा, गिन का रही था, गिनिए सरफी चवन्नी अठन्नी भर सोने के रुपया। अच्छा, ये मटकी मिला था आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया अच्छा क्या वहाँ मतलब उस सिक्के में क्या लिखा था? मुगल। अच्छा, ये मतलब जो सिक्का मिला था उसमें मुगल लिखा था, ये जानकारी आपको किसने दिया था? जब पेपर में छपा रहा है। अच्छा, पेपर में छपा था। हाँ, और पेपर में लिखा रहा है। और एक थोड़े बेचबो भवा है, तो हम जो बताइस की जो उन्हें 11,000 का एक सिक्का हम बेचा है। अच्छा, लिखा था मुगल उगल के साथ, भैया कुछ रही नहीं भवा। अच्छा, कोई उधर उधर मतलब अच्छा बता रहे हैं। अच्छा, एक जने बेचिन है, उसका बता रहे हैं 11,000 के भी का है, कुछ जने कामों के बेच डाली। अच्छा, यानी कि चूंकि भाई अच्छा पेपर में निकला था ये चीजें। पेपर में नहीं निकला, नहीं इनके सामने था। 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 अच्छा, जो जिसने बेचा होगा वो आपको दिखाया था, बताए थे। अच्छा, उसी का देखा तो बहुत लोग हैं, यहाँ पर टाली भरी गई मट्टी की, ऐसे ही गए तो वह गिरते गए चौराहे तक की, गिरते रात में जा रही, कोई जाने नहीं पा। अच्छा, सुबह हवा तो मैंने पाए तो तलवार। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस वाले बल्कि आए छापा मारे। अच्छा, उसको नकली साबित करके निकाल, नकली साबित कर। अच्छा, मीडिया वाले मतलब ये मतलब ये कहना है, अच्छा ये कहना है कि यहाँ पे मतलब जो खुदाई हुई कुछ मिला और फिर उसे जो है आगे चल के मीडिया ने मतलब ये बताया कि वो नकली है। अच्छा अच्छा, यानी कि वो अगर वो चीज मिलता तो एक इतिहास का और पर्दा उठ जाता कि यहाँ पे एक्चुअल में था क्या। हाँ, ये कह सकते हैं, राजा अगर नहीं होते तो इतनी अपार धन नहीं होता, यहाँ संपत्ति नहीं होती। अच्छा, राजा थे जब घर पलटा तो हमारे यहाँ का परंपरा चली आ रही है। कोई अगर बहू आती है नहीं तो यहाँ पर आती है। अच्छा अच्छा, अलियाबाद गुलचप्पा ने 12 गांव की बहुएं यहाँ आती है। अच्छा अच्छा, यानी कि यहाँ पे एक दर्शन करने और चढ़ावा चढ़ाने यहाँ जरूर आते हैं, पूजा करने आते हैं। अच्छा, पूजा जो यहाँ की जो परंपरा है, परंपरा में और क्या जानकारी मिल सकती है यहाँ की परंपरा में? मतलब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ जो पूजा का तरीका है, पूजा किस प्रकार से करते हैं, क्या मतलब कोई बलि चढ़ती है? पिसाला यहाँ पर, पिसाला यहाँ पर जो है, खांसी छोड़ा जाता है यहाँ। अच्छा, खांसी छोड़ा जाता है। हाँ, छौना छौना भी छोड़ा जाता है। अच्छा, ये मतलब पूजा पाठ यहाँ ऐसा होता है। अच्छा, तीसरे साल ये चीज है। अच्छा, हमने ये सुना था कि जो है यहाँ पे कोई अभी आपकी गाँव के कोई हरिदत्त थे,
कोई राउत माँ हरदत थे वहाँ ये मंदिर पर रहते थे वही पहले बाबा थे यहाँ हरदत दास है भैया। हाँ ये क्या कहा हरिदास क्या नाम था इनका भैया हरदत दास हरिदत दास नाम था। अच्छा इपर से वही मूंजा गढ़ा उपजा रहा है। अच्छा अच्छा वही मंदिर के सामने नीम के पेड़ लगी रहा है। अच्छा तो जब हरदत दास आए तब यही जगह पर कुटिया रखे उन्होंने मोड़ा। अच्छा ये जगह मोड़ा अच्छा जितने पेड़ इतने मोटे वाले जितने पेड़ हैं उन्हें के लगाए हैं। अच्छा ये जो ये मतलब ये सब जितने पेड़ हैं ये हाँ सब उन्हें के लगाए। अच्छा।